हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में 10 से भी ऊपर हायरिंग्स हैं इस वीडियो में जिनको हम कवर करने वाले हैं। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं पीडब्ल्यूसी की, इंटर्न और ट्रेनिंग के लिए हायर कर रही है, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको एक चीज बतानी है। देखो, जो अपन का जो मार्च और अप्रैल का महीना होता है ना, ये थोड़ा सा टफ महीना है, ठीक है। इसमें आपको बड़ी हायरिंग्स थोड़ी सी कम देखने को मिलेंगी, आपको छोटी हायरिंग्स ज्यादा देखने को मिलेंगी जिनमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है। तो आपको एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। देखो, मैं भी एफर्ट ज्यादा डाल रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा चैनल पर, ज्यादा हायरिंग्स इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ बिकॉज इन महीनों में क्या होता है ना, जॉब लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे भी डिफिकल्ट चल रहा, थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन महीनों में आपको थोड़े से ज्यादा एफर्ट दिखाने पड़ेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करना पड़ेगा। और ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप किसी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो। सो मैं यही चाहता हूं आप ज्यादा एफर्ट पुट करो। अप्रैल के बाद थोड़ी सी स्थिति बेटर हो जाएगी क्योंकि एक्चुअली ये अपन का क्या होता है ना, ये हाइक वाला सीजन रहता है, तो इसमें सारे कंपाउंडिंग वगैरह होती है, तो कंपनीज जनरली कम हायर करती है इन वाले मंथ्स में, इसलिए आपको कम हायरिंग्स देखने को मिलेंगी। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना एफर्ट पुट करें इन वाले मंथ्स में, ठीक है। तो बात करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे पीडब्ल्यूसी की, जो कि हायर कर रहे हैं इंटर्न्स और ट्रेनी के लिए। सो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रेफरल मिल जाए काफी अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाए तो आप डायरेक्टली कैरियर पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हो। देन वी हैव हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ट्रकर हायरिंग फॉर डायरेक्ट टेस्ट, एंड ये आपका थर्सडे को टेस्ट होने वाला है, सो इसमें रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। थर्सडे को आपका डायरेक्ट टेस्ट है, सो डू नॉट मिस टू रजिस्टर। देन वी हैव हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम क्लाउडसेक। क्लाउडसेक इज हायरिंग फॉर एसडी इंटर्न फ्रंट एंड, एंड एसडी इंटर्न की पोजीशन रहेगी, बाकी की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, which you can read in the detail and apply. So CloudSec company की तरफ से ये अच्छी opportunity देखने को मिल रही है। Then we have a hiring opportunity from Upstocks. So Upstocks is hiring for product analyst. So you can try to apply in this. 0 to 3 year of experience की requirement मांगी है, undergraduate degree in analytical quantitative field की requirement मांगी है। Then हमें hiring देखने को मिल रही है Siemens की तरफ से। Siemens hire कर रही है यहाँ पर trainee position के लिए। So let's see all the details. So trainee position आपकी यहाँ पर होने वाली है और यहाँ पर आप सारी details इसकी पढ़ सकते हो। Freshers इसमें eligible हैं। Clearly mention किया है you have successfully completed your bachelor's degree की requirement मांगी है। ट्रेनी की पोजीशन है, सो डू नॉट मिस टू अप्लाई सीमेंस में, ठीक है। क्योंकि पता नहीं पड़ता यार कौन सी कंपनी कब रिवर्ट कर दे, कोई किसी का भरोसा नहीं रहता, कोई कंपनी एकदम से रिवर्ट कर देती है, ठीक है। सो देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम डूला। सो डूला इज हायरिंग फॉर बैकएंड डेवलपर एंड सिमिलरली फ्रंट एंड डेवलपर ऑल्सो। तो यहां पर आपको डूला की तरफ से दो पोजीशंस देखने को मिल रही है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छी कंपनी है, ठीक है, और ये रिवर्ट भी करती है, सो डू नॉट मिस टू अप्लाई इन डूला, ओके। तो ये बैकएंड वाली मैंने आपको दिखाई दी और इसकी आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हो, इसी प्रकार से फ्रंट एंड वाली भी है, सो फ्रंट एंड की भी आप सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों डूला कंपनी हायर कर रही है। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इन्फिनियन। सो इन्फिनियन के बारे में बात करते हैं। सो दे आर हायरिंग फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्नशिप डेटा एनालिसिस, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, एक अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटी है। सो इन्फिनियन कंपनी यहाँ पर एक सही कंपनी है, मतलब आप इसको अराउंड एमएनसी टाइप की कंपनी मान सकते हो और प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्नशिप डेटा एनालिसिस में हायर कर रही है। एज सून एज पॉसिबल आपकी स्टार्ट डेट है, अप्लाई आप जैसे ही करोगे यहाँ पर आपको रिवर्ट आने के चांस है, एंड जॉब लोकेशन बैंगलोर रहेगी, बाकी आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है, इससे आप जरूर इसमें अप्लाई कर दें, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि एक और अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है आईएसबी की तरफ से। सो आईएसबी यहाँ पर हायर कर रही है, आईएसबी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस। ये एक्चुअली हायर नहीं कर रहा, इसमें आपको इंटर्नशिप का चांस मिलेगा प्रोफेसर के साथ। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर हो सकता है जो लोग लेना चाहें इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हो वेबसाइट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल कंटेंट, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट एडिटिंग, काफी सारी चीजें हैं और इसमें करंट स्टूडेंट्स और रिसेंट ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नीचे फॉर्म दिया गया है, आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली जो फॉर्म दी है, हैदराबाद में आईएसबी है, सो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। देन वी हैव हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम डाइट। सो डाइट इज हायरिंग फॉर वेब आरटीसी इंटर्न्स, बैंगलोर जॉब लोकेशन होगी, सो इसमें भी आप अप्लाई कर पाओगे। डाइट भी एक अच्छी कंपनी है। सो आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक्स द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।